नमस्कार। चलिए तो मौसम की बात करेंगे। उत्तरी हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है और इससे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के कई शहरों में दिन रात का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क गया है। अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। IMT भोपाल के मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक ये बताया गया है कि 11 से 14 फरवरी के बीच प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, शहडोल, सागर और रीवा संभाग में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक के द्वारा ये भी बताया गया कि अभी प्रदेश में उत्तरी हवाएं चल रही हैं, इससे दिन में हल्के बादल और ठंडक रहेगी और रात का तापमान भी 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। अगले 24 घंटे में रात के तापमान में और भी ज्यादा गिरावट रहेगी। वहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से 2 दिन के बाद यानी कि 11 फरवरी से प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस दिन जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया गया है। 12 फरवरी को जबलपुर, नर्मदापुरम, शहडोल और सागर संभाग में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। 13 फरवरी को प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बारिश होने का अनुमान है। वहीं 14 फरवरी को भी सागर, रीवा और ग्वालियर में बूंदाबांदी होने के आसार जताए गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से भोपाल में 11 फरवरी को बूंदाबांदी हो सकती है। इंदौर और उज्जैन संभाग में बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे और सिर्फ दिन के तापमान में गिरावट रहेगी। इससे पहले गुरुवार को पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर गया। सर्द हवाएं चलने से दिन के टेम्परेचर में भी गिरावट दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में पारा 3.1 डिग्री लुढ़क कर 23.7 डिग्री पर पहुंच गया। इंदौर में 22.8 डिग्री, ग्वालियर में 22.8 डिग्री, जबलपुर में 23.9 डिग्री और उज्जैन में टेम्परेचर 25 डिग्री दर्ज किया गया है।